सपने अगर आपके हैं तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। सपने आपके हैं तो उसे पूरा करने का प्रयत्न भी, प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। किसका इंतजार कर रहे आप? कौन है जो आपके सपने को पूरा करेगा? दोस्तों, इस दुनिया में किसी को भी सफलता थाली में परोस के नहीं आती। इतिहास गवाह है कि जिसको अगर सफलता दे दी गई है थाली में परोस के, तो उस सफलता को भुना नहीं पाया। लाइव एग्जाम्पल आपको हर क्षेत्र में मिल जाएगा, जैसे बॉलीवुड हो गया, राजनीति हो गया, खेल जगत हो गया, आप हर चीज को उठा के देख लीजिए। जिस व्यक्ति ने जीरो से शुरुआत किया, जिस व्यक्ति ने जीरो से शुरुआत करके सफलता पाई है, उनके बच्चों को हर वो सुख सुविधाएं दी गई, फिर भी जितने लेजेंड जो सफल होने का प्रयास करते करते एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के सफलता पाई, उतने लेजेंड उनके बच्चे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सफलता अगर थाली में परोस के मिल गई तो उसकी कदर नहीं होती। एग्जाम्पल देख लीजिए, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहे जाते हैं, लेकिन उनके बेटे अभिषेक बच्चन उतने सफल नहीं है। है अपने फील्ड में, अपने करियर में सफल है, नो डाउट, बट वो शायद उतने सफल नहीं हो पाए जितने आज अमिताभ बच्चन, जो कि सदी के महानायक के रूप में जाने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, बट उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर आज दूर दूर तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं नाम नहीं है। सुनील गावस्कर एक जमाने में सबसे बड़ा नाम हुआ करता था, वो खुद के दम पे बनाया था उनने नाम, बट रोहन गावस्कर उनको चांस दिया गया फिर भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। यानी आपको अगर सफलता थाली में परोस के मिल भी गई तो आप उस सफलता को भुना नहीं पाओगे। तो अगर सफल होना है तो आपको स्टेप चढ़ना पड़ेगा, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष ही आपको सफलता दिलाएगा, संघर्ष का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपकी जिंदगी में सफलता से कम कुछ भी नहीं चाहिए तो संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। लॉ है, जो संघर्ष करेगा सफल होगा। दुनिया का ये नियम है, जिस तरह से आग का नियम है कि वो जलाएगा ही, जिस तरह से पानी का नियम है कि वो शीतलता ही प्रदान करेगा, कभी भी आग आपको शीतलता प्रदान नहीं करेगा या फिर पानी आपको जलाएगा नहीं। उसका एक्चुअल जो रूल है, एक्चुअल जो लॉ है, वो शीतलता प्रदान करना है। इसीलिए आपका एक्चुअल जो लॉ है यूनिवर्स के हिसाब से कि आपको आपके जीवन में सफल होना ही है, अब उस सफलता को पाने के लिए आप संघर्ष कितना करते हो, इस हिसाब से आपके लाइफ में सफलता मिलती है। सो दोस्तों, सपने अगर आपके हैं तो पूरा करने का प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर खुजली आपको है तो आपको ही खुजली मिटानी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो उस सफलता के लिए एफर्ट, डेडिकेशन, त्याग, बलिदान आपको ही देना पड़ेगा। सो आर यू रेडी टू गेट सक्सेस? अगर आप रेडी हो तो हैव पेशेंस एंड कीप पॉजिटिव माइंड, वन डे यू विल गेट ग्रैंड सक्सेस इन योर लाइफ। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ हर बार मेरे चैनल पर आके विजिट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।